أطلعنا المنتجات الهندية بسبب رسالة الرسول، وحنا كشعب كويتي ومسلم لا نرضى رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. महाराष्ट्र सनसनी में आप सभी का स्वागत है. आप देख रहे हैं महाराष्ट्र सनसनी, खबर हमारी आवाज आपकी. पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीजेपी नेताओं की टिप्पणी से कतर, कुवैत और कई देशों में गुस्सा. इंडियन प्रोडक्ट्स किया जा रहा है बायकॉट. पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की वाहियाना टिप्पणी के मामले पर इस्लामिक देशों द्वारा विरोध दर्ज किया जा रहा है. पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वाहियाना टिप्पणी करने पर सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ईरान और बहुत से देशों ने निंदा की है. हालांकि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर बीजेपी की कार्रवाई का सऊदी ने वेलकम किया है. बता दें आपको, बीजेपी पार्टी ने अपने दोनों नेताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाया है और दोनों नेताओं ने अपना बयान वापस ले लिया है. बीजेपी नेताओं द्वारा दिए गए विवादित बयान की दुनिया भर से निंदा हो रही है. कतर और कुवैत के बाद ईरान ने इंडियन एम्बेसडर को तलब कर इस मुद्दे पर नाराजगी जताई है. नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जैसे लोगों की वजह से हमारे देश का नाम बाहर की कंट्री में खराब हो रहा है. बने रहे हमारे साथ, जल्द लौटेंगे अगली खबर के साथ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.